दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी अलॉन्ग दैट आई विल शेयर हाउ आई मैनेज माई किड्स वैन हस्बैंड गोज टू ऑफिस एंड उसके साथ मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड तक जरूर देखना तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हस्बैंड के लंच बॉक्स के साथ तो यहाँ पे मैंने उनके लिए बनाए हैं दो पालक के पराठे आटा मैं एक रात पहले गूंद के रख लेती हूँ जो भी सब्जी मुझे पैक करनी होती है वो

लंच तो बस अभी मैं इसे पैक करती हूँ काफी लोग इस लंच बॉक्स का लिंक भी मुझसे मांग रहे थे तो ये हमने ना इंडिया से लिया था लोकल मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा और फ्लास्क में मैंने चाय फिल कर दिया उनकी सो दिस इज ऑल गोइंग विद हिम टू द ऑफिस वो ऑफिस अराउंडी सिक्स थर्टी के करीब निकलते हैं तो वो निकल चुके हैं उसके बाद अब मेरा बच्चों के साथ रूटीन स्टार्ट होता है दोनों बच्चों को मैं उठाऊंगी मैं दोनों को एक साथ उठाती हूँ और एक साथ शावर वगैरह करा के रेडी करती हूँ इससे मेरा टाइम बहुत सेव हो जाता है और फिर ना एक रूटीन बन जाता है बच्चों का केशु को भी साथ में ही उठा के नहला धुला के तैयार कर दिया है अब मैं एक साथ दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करूंगी सबसे पहले गोविंद को ब्रेकफास्ट दे दिया है उसको दूध दे रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट में आज वेजिटेबल इडली है तो उसको इडलीस खाना वैसे बहुत पसंद है तो उसको इडली दे दी है साथ में दूध दे दिया है केशु को भी मैंने खाली दूध दिया था उसकी तबियत अभी भी प्रॉपरली ठीक नहीं है तो वो कुछ खा नहीं रहा था बट उसको दूध पिला दिया है और यहाँ पे अब मैं गोविंद के लंच बॉक्स के लिए पराठा बना रही थी तो पालक का पराठा मैंने बनाया है केचप के साथ सर्व कर रही हूं और साथ में एक मैंने चॉकलेट कुकी रख दी है एंड स्नैक्स में मैंने एक बनाना कट करके रखा है तो ये है गोविंद का लंच बॉक्स मूव ऑन करते हैं उसकी बॉटल वगैरह मैं फिल कर देती हूँ बैग रेडी करती हूँ बस अब उसे स्कूल ड्रॉप करना है और जब हस्बैंड नहीं होते हैं घर पे तब मैं केशु को भी अपने साथ लेके जाती हूं क्योंकि ऑब्वियसली उसको अकेले घर पे मैं किसी के भरोसे तो नहीं छोड़ सकती तो हम तीनों जाएंगे वॉक करते हुए जाते हैं टेन मिनट्स लगते हैं उसको स्कूल ड्रॉप करने में उसके बाद वापस हम घर आते हैं और दोस्तों अगर आपको इस टाइप के लाइफस्टाइल स्टाइल ब्लॉग्स मॉमी रूटीन वीडियोस देखना पसंद है सो यू आर एट द राइट प्लेस प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा हालांकि मैं हर रोज़ ट्राई करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट करूँ बट कभी कभी इतना ज्यादा रश होता है ना कि नहीं हो पाता है ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ बैठ के तो अभी गोविंद को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं आराम से अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रही हूँ एक कप मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई है साथ में है इडली और आज मम्मी का भी फोन आ गया था तो ये बेस्ट टाइम होता है कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है कि मम्मी से बात हो रही है आराम से मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और हाँ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को ब्रेकफास्ट में क्या खाना पसंद है हम लोगों के यहाँ मोस्टली इडली पोहा उपमा चीले बहुत पसंद किए जाते हैं हम लोग ट्राई करते हैं कि ब्रेड वगैरह थोड़ा कम ही लें बट हम हाँ फ्रेश ब्रेकफास्ट में ये तीन चार चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हमारे घर में पसंद की जाती है आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्या पसंद है हेलो दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं कुछ होम रेमेडीज शेयर करूं गोल्ड एंड कफ की तो एक होम रेमेडी तो मैं ना थोड़ा सा हनी लीजिए उसके अंदर जस्ट अ पिंच ऑफ हल्दी मिक्स करके बच्चों को या तो फिंगर से चटा दीजिए या स्पून से खिला दीजिए एंड अगर आपके बच्चे ले सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ हल्दी आप उसके अंदर ना थोड़ा सा जिंजर जूस एड करना वो तो रामबाण की तरह काम करता है एकदम गोल्ड एंड कफ में आराम देता है बट मेरे बच्चे संभव जिंजर जूस लेना पसंद नहीं करते इसलिए मैं हल्दी मिक्स करके हनी खिलाती हूँ वैसे भी गोल्ड एंड कफ के लिए ना हनी काफी अच्छा रहता है

दो ग्लास मैंने पानी लिया तो एक चम्मच मलैठी डाल दी अच्छे से पानी को खला लिया जब वो आधा रह गया उसको ठंडा कर लिया स्ट्रेन करके फिर बच्चों को पिलाओ उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है एंड uh, ये सब बड़े भी यूज कर सकते हैं ये वाली होम रेमिडीज केशो तो नहीं लेता है मलैठी का पानी बट फिर भी मैं कोशिश करती हूं कि थोड़ा सा एक दो चम्मच जबरदस्ती ही सही ही पिलाऊ उसको क्योंकि तो उसको बहुत ज्यादा कंजेशन है स्टिल एंड थर्ड होम रेमेडी जो मैं यूज करती हूँ वो है ये आ, टर्मरिक मिल्क ये तो खैर कोल्ड एंड कफ में ही नहीं इन जनरल भी काफी इफेक्टिव होता है टर्मरिक मिल्क इस टाइप की ना आपको फ्रोजन टर्मरिक इंडियन स्टोर पे मिल जाएगी फ्रोजन सेक्शन में ये मैं अपने फ्रीजर में रखती हूँ वैसे तो फ्रेश भी मिल जाती है स्टोर्स पे बट वो होता क्या है विंटर्स में ही मिलती है कभी मिले कभी ना मिले और बाबा आयुष्य में के आई थी उठ गया हो गया <laughs> तो मैं ना ये फ्रोजन पैक एक रखती हूँ इसमें इस टाइप के स्लाइसेस होते हैं बस आप दूध में अच्छे से खला लो और आपका टर्मरिक मिल्क बनके रेडी हो जाएगा काफी इफेक्टिव होता है ये भी आप ट्राई करके देखना ये वाड़ी लाल का पैकेट है मेरे पास तो बस कुछ इस टाइप की रेमेडीज ही मैं यूज करती हूँ वैसे तो बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं जो आप यूज कर सकते हो बट कुछ कुछ जो मेरे लिए काम करती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बाई बाय <laughs> इसको मैं आधा घंटा लगा के सुला के आई थी और ये एक मिनट में उठ के आ गया एक मिनट में उठ के आ गई नोटी ए बेबी कौ चलिए अब मैं आप लोगों के साथ अपना लंच शेयर करती हूँ आज मैंने केशु के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है सिंस उसकी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है ना तो मुझे लगा खिचड़ी वगैरह बच्चों को थोड़ा सा गर्म फील कराती है सूट करती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही गला है कि उसको अच्छा लगे खाने में इजिली वो खा ले और मेरे लंच में है लौकी की सब्जी और एक रोटी मैंने जिसपे अच्छे से घी लगा लिया है मैंने लौकी की सब्जी ज्यादा सी ली है इसीलिए मैंने जस्ट एक चपाती ली है इसके साथ मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में आटे का कंजम्पन थोड़ा सा कम रहे और सब्जियों का

तो अभी बस मैं बैठ के अपनी कुछ वीडियो प्लानिंग करूंगी कोई आर्टिकल वगैरह मुझे रीड करना होता है वो कर लेती हूँ या फिर आप लोगों के कॉमेंट्स का रिप्लाई करना और बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के काम रहते हैं वो सब मैं जब वो सोता है तब अपने मैनेज करती हूँ एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी प्लीज दिन में चाहे पंद्रह बीस मिनट ही सही अपने लिए टाइम जरूर निकालो जैसा कि मैं कहती हूँ ना जब आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना तो जो बाकी के घर के बच्चों के काम है ना उसको करने में भी आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी तो आप अपने साथ पंद्रह बीस मिनट ही सही ही टाइम जरूर स्पेंड करो तो चलिए अब चलते हैं शाम की क्लिप में ये है गोविंद का प्री बर्थडे गिफ्ट एक्चुअली उसका बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक तो हमने सोचा उसको आ, हमें ना बर्थडे गिफ्ट में बाइक दिलानी थी इस बार तो हमने ये बाइक वॉलमार्ट से ऑर्डर कर दी और हमने पहले इसलिए दिलवाई क्योंकि यार शिकागो में ना अक्टूबर आते आते ठंडा बहुत हो जाता है और फिर बच्चे बाहर ही नहीं निकल पाते तो फिर ऐसा गिफ्ट दिलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता जो बच्चे यूज ना कर पाए चला ना पाए तो हमने सोचा अब दिला देते हैं एटलीस्ट उसके पास ट्वेंटी ट्वेंटी डेज रहेंगे वह

लग गए हैं उसकी बाइक में तो चलिए जब तक वो लोग असेंबली कर रहे हैं अपनी बाइक की तब तक मैं आपको किचन का थोड़ा काम दिखाती हूँ बनाने वाली हूँ तो यहाँ पे जो चॉपिंग इंटेंसिव सब्जियां होती है ना उनको मैं इस तरीके से चॉप करके रख लेती हूँ क्योंकि अदरवाइज ना ये फ्रिज में बैक सीट ले लेती हूँ और बनी नहीं पाती तो जब भी मुझे टाइम मिलता है ना थोड़ा सा भी मैं इनको सब चॉप वॉप करके प्रेप करके रख लेती हूँ फिर विदिन लाइक टू थ्री डेज ही कंज्यूम हो जाती है और यहाँ पे मैंने काफी सारी शॉपिंग की है आज वेजिटेबल पुलाव के लिए आप देख रहे हो बहुत सारी कलरफुल वेजिटेबल्स हैं बीन्स कैरेट एंड गोभी मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स मेरी फ्रिज में होती हैं वो सब मैं अपने वेजिटेबल पुलाव में ऐड करती हूँ ये थोड़े से कुछ खड़े मसाले हैं करचिली हैं जो मैं अपने पुलाव में डालती हूँ घी में बना रही हूँ घी में थोड़े से कड़े मसाले डाले ही जीरा डाला सारी सब्जियाँ डाल के नमक डाल के थोड़ा सौते कर रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से गर्म मसाला भी ऐड किया था उसके बाद बस ये सोक्ड राइस है इसको मैं डाल दूंगी और पानी इतना डालना है कि सारी चीज़ें बस पानी से कवर हो जाएं और अब सिंस मैं इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में बना रही हूँ बहुत झटपट राइस बन जाता है इसके अंदर अराउंड ट्वेल्व मिनट्स में राइस रेडी हो जाएगा उसके बाद ना ये अपने आप ही कीप वॉम पे चला जाता है और जब भी आपको सर्व करना हो गर्मा गर्म राइस इसके अंदर से निकल के आएगा और काफ़ी सारे लोग मेरे नाइफ के बारे में क्वेरी करते हैं तो मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोगों को अपने नाइफ़ भी दिखा दूँगी ये मेरे नाइफ का सेट है फेबरवेयर ब्रांड से मुझे ऑलमोस्ट टू टू एंड हाफ इयर्स हो गए नाइफ को यूज़ करते हुए एंड ये बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के निकले आई थिंक मैंने इन्हें होम गुड से लिया था या फिर मैंने रॉस से लिया था आई एम नॉट श्योर बट ये पूरे सेट में आए थे इसके साथ सिजर भी है और डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट साइज के नाइफ़ हैं एंड इनमें ये कवर भी आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने नाइफ को अच्छे से हाथ से क्लीन करके ड्राई करके कवर लगा के इनको रखूँ और ये बिल्कुल एज इट इज कंडीशन में है और परफेक्टली काम करते हैं एक टिप देना चाहूंगी जब भी आप नाइफ खरीदें ना उसके साथ ये नाइफ uh, शार्पनर जरूर लें ये आपको लेंकोजन पे मिल जाएगा जब भी नाइफ वगैरह ब्लंट हो बस आप इसे शार्प कर लो अच्छे से और फिर आपके नाइफ एकदम नए जैसे हो जाते हैं तो मैंने ये शार्पनर तो ऑलमोस्ट पांच छह साल पहले खरीदा था एंड इट वर्क सो बस ये थे मेरे नाइफ की कहानी काफी लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा तो शेयर करती हूँ और यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म राइस भी बन के रेडी हो गया है देखो एक एक चावल खिला हुआ बना है और इतनी सारी वेजीज ऐड किए हैं कि मतलब आपने खुद ही देखा था वेजिटेबल्स ज्यादा थी राइस बहुत कम था तो चलिए डिनर वगैरह हो गया है आज गोविंद की स्विमिंग क्लास भी थी तो वो भी हो गई है अब गोविंद निकला है बाहर अपनी बाइक लेके आज वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था उसने अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी बाइक भी दिखाई पार्क में एंड घर आने के बाद बस मैंने डिश वॉशर वगैरह लोड कर दिया है बच्चों को दूध दे दिया है और यहाँ खत्म होता है मेरा दिन अराउंड एट थर्टी मैं अपनी पूरी किचन वाइंड अप कर देती हूँ और बच्चों को ले जाके बस सुलाने की त... कोशिश करती हूँ बाय नाइन ओ क्लॉक सो ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है ना यार तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना बिकॉज आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप को मेरा काम पसंद आ रहा है आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड कमेंट जरूर करना बिकॉज मुझे आपके कॉमेंट रीड करना बहुत पसंद है एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो फिर से मुलाकात करते हैं एक और वीडियो में तब तो तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो टेक केयर ऑफ येल्फ बब पापा पॉपॉ गुड नाइट उसको गुड नाइट कर दो गुड नाइट गुड नाइट हो गई उसकी अब आपकी गुड नाइट हो जाएगी ठीक है